तरफ अगर आप देखें तो ये हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहाँ पे लिफ्ट भी लगाया गया, देख सकते हैं कि ये अगर आप गेट नंबर 1 में, अभी हम चूंकि दिल्ली की ओर से आ रहे हैं तो ये गेट नंबर 1 पे आती है और यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, एग्जिट पॉइंट है और ये मेट्रो जो है लास्ट यहीं पे आती है। यहाँ के बाद मेट्रो कहीं भी नहीं है, ये लास्ट स्टॉपेज होता है मेट्रो का हुडा सिटी सेंटर में और यहाँ के बाद आपको मेट्रो नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट स्टॉपेज है, गुड़गांव अगर आपको आना है तो यहीं पे उतरना पड़ेगा इसी मेट्रो स्टेशन में और इसके आगे आपको कोई भी मेट्रो स्टेशन नहीं मिलेगा। तो ये है मेट्रो, मेट्रो के अंदर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन जब आप आएंगे तो उसके अंदर देख सकते हैं इस तरीके से होता है और यहीं लास्ट स्टॉपेज होता है, इसके आगे मेट्रो नहीं जाती है, इसके आगे आपको जो है गुड़गांव का कोई भी हिस्सा में नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये लास्ट स्टॉपेज है, यहाँ पर आप उतरेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट भी दिया है कि इसके आगे आपको कोई भी नहीं है, चूँकि ये हुडा सिटी सेंटर लास्ट है, आप देख सकते हैं हुडा सिटी सेंटर ये लास्ट है, इसके आगे आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म के अंदर ये देख सकते हैं ये दृश्य है, जो कि अगर आप आते हैं न्यू दिल्ली की ओर आते हैं तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा और यहीं से आप उतर के जा सकते हैं। और जो गुड़गांव के कोई भी आपको गुड़गांव के कोई भी एरिया में आपको जाना है तो यहीं पे उतरना पड़ेगा और यहाँ से आपको बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो मिल जाएगी, जिसके सहारे आप गुड़गांव के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ये नीचे का लोकेशन है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ रहता है, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारे बिल्डिंगे हैं, बहुत सारे जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभाग के बहुत सारे ऑफिसें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप अन्य शहर से आते हैं तो आपको हुडा सिटी सेंटर, अगर आप गुड़गांव में जॉब करते हैं या जॉब लगा है तो आपको हुडा सिटी सेंटर ही निकलना पड़ेगा और हुडा सिटी सेंटर से आप जब एग्जिट होंगे इस तरीके से नीचे जाएंगे तो यहां से आपको बहुत सारे ओला कैब उबेर इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप जहां भी आपको जाना लोकेशन में वहां पे जा सकते हैं। जो ऑटो होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं तो ऑटो में आप सफ़र करें कम दामों में, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा दाम आपको बोलेंगे लेकिन आपको कम दाम देना है, कम पैसों में आप सफ़र कर सकते हैं। और ये जो है लोकेशन आप देख सकते हैं, ये पूरा जो लोकेशन है ये हुडा सिटी सेंटर का है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और ये पूरा गुड़गांव जो है ये इसी में कवर है। तो गुड़गांव के कोई भी हिस्से में आपको अगर आपको जाना है तो आपको हुडा सिटी सेंटर ही उतरना पड़ेगा और हुडा सिटी सेंटर के निकलने के बाद ही आप अन्य जगह पे जा पाएंगे। मेट्रो स्टेशन के अंदर का दृश्य है, जो कि पूरी तरीके से मेट्रो स्टेशन को स्वच्छ रखा गया है, काफ़ी बढ़िया रखा गया है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो इस मेट्रो स्टेशन में आप यहाँ पे उतर के अन्य जगह पे घूम सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं और ये लास्ट स्टॉपेज है, आगे रेड लाइट है, आगे आपको कोई भी जगह पे जाने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ ट्रेन टर्मिनेट है, यात्रा समाप्त जो हो गया यहाँ पे, यहाँ से आपको यात्रा नहीं। नीचे की ओर जा रहे हैं हुडा सिटी सेंटर, जो कि हम प्लेटफॉर्म में थे, अब एग्जिट होने का देख सकते हैं ये रास्ता है। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे सीढ़ी से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निकासी का क्षेत्र भी बनाया गया है, जो कि पूरा एरो के सहारे आप अन्य जगह पे दूसरे जगह पे निकल सकते हैं और जा सकते हैं। अब मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना है तो मैं देखता हूँ यहाँ से कोई व्यवस्था है या मुझे एग्जिट ही करना पड़ेगा, ये तो अभी पता नहीं है। सिटी सेंटर के बगल में ही आप देख सकते हैं वाटरफॉल है, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे अलग व्यवस्था है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, नहा सकते हैं और पूरा जो गेम है वाटर का वो आप खेल सकते हैं पूरी तरीके से, ये बगल पे ही है। हालांकि अभी कोरोना के टाइम में ये बंद है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ दिन में ये खुल जाएगा। तो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन में उतरने के बाद सामने ही ये लोकेशन में आपको पड़ेगा। तो ये हमारा यात्रा था कि हुडा सिटी सेंटर का आपको वीडियो दिखाएँ और बताएँ, तो ये जानकारी आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हुडा सिटी सेंटर के अगल बगल ये हम आपको अद्भुत दृश्य मेट्रो के माध्यम से आप देख सकते हैं, मैक्स हॉस्पिटल भी यहीं पे है और भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।